हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने इस बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के लास्ट टॉपिक्स की ओर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन के आखिरी दौर की ओर हम चलते हुए। यहाँ अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपने लास्ट टर्न पर इंसुलिन बनाया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, जिसके लिए आपने एक इंसुलिन के जीन ए को आपने अलग किया, दूसरा आपने जीन बी लिया, दोनों को अलग अलग किया, दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डेवलप कराया, दोनों को अलग अलग आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद दोनों के बीच में आपने डाइसल्फाइड बॉन्डिंग बनाई और उसके साथ तैयार हुआ आपका एक इंसुलिन। अब यहां कुछ हम जो बात कर रहे हैं ये है कि अभी तक हमारे पास कितनी जो ड्रग्स हैं, तो रिकॉम्बिनेंट थेरापीटिक्स में हमारे पास अभी तक 30 बन चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसमें से हम लोगों ने इंडिया के अंदर 12 यानी कि 12 ड्रग्स के लिए अभी हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापीटिक्स हम बना चुके हैं और ये ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड लेवल पर अप्रूव हो चुकी है, और इसमें से हमने 12 को हमने इंडिया के अंदर भी लिया है। तो ये तो कुछ हमारा मेडिसिनल एप्लीकेशन था बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई डिजीज का डायग्नोसिस करना है तो क्या उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी आपके काम आ सकती है? आंसर है यस, बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी आपके जो किसी डिजीज का डिटेक्शन होता है उसके लिए भी काम आ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई वायरस, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम पर उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी अमाउंट होती है वो बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन जब वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे 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 डेवलप होता जाता है तब जाकर वो अपने सिम्टम्स आपको दिखाने लगता है और तब जाकर हमें पता लगता है अरे हम तो बीमार हो गए। अगर हम इसी चीज को स्टार्टिंग लेवल पर, यानी कि जैसे ही वो एंटर हो और उसके जस्ट बाद हमें अगर पता लग जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा उसके पहले ही हम उसको निपटा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो आप टेक्निक्स यूज करते हैं, एक तो आपके पास मोस्टली जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अपनी समस्या बताते हैं, तो वो आपको ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं और आपको यूरिन टेस्ट की सलाह देते हैं। मोस्टली दो ही तरीके के टेस्ट अभी इनिशियल लेवल पर कोई भी डॉक्टर आपसे बोलता है। ऐसा नहीं कि जाते पहले जाओ सीटी स्कैन करा के आओ या आप जाओ और एमआरआई करा के आओ, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग लेवल पर समझने के लिए डॉक्टर्स मोस्टली आपको ब्लड एग्जामिनेशन और यूरिन एग्जामिनेशन की सलाह देते हैं। लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये है कि जब कोई पैथोजन एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में नहीं डेवलप हो जाता तब तक उसका कोई टेस्ट आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। जैसे मलेरिया के केस में मैं आपसे बात करूं कि मलेरिया का जो पैरासाइट था वो आपकी बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद वो लगभग 10 दिन तक तो केवल लीवर के अंदर अपना लीवर शाइजोगोनी चलाता रहता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि उस समय पर हमें पता ही नहीं लगेगा। अगर हम उस दौरान यदि हम ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं तो हमें उसका कोई पैरासाइट नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो तो उसके लिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। यहाँ आपको मैं पहले बताऊं कि हम जब कन्वेंशनल डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि जो हमारी परंपरागत तकनीकें हैं, उन तकनीकों में आप
ब्लड और सीरम एनालिसिस करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर ही आपके लिए समस्या ये है कि आप इसके थ्रू अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। शुरुआती अवस्था में आपको इसका पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस हम यहाँ लगा देते हैं तो आपको बहुत आसानी से इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। उसके लिए आपको करना होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम सबसे पहले ले रहे हैं जैसे PCR, आपकी NCERT में जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक PCR का आता है। तो PCR क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिनेचुरेशन, एनिलिंग, और उसके बाद इसका एक्सपेंशन हम करते हैं और तीन स्टेज में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने किया है और उसके बाद आप किसी भी DNA का लगभग 30 साइकिल में 1 बिलियन टाइम उसका मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। तो ये आपके पास में तीन स्टेज में हो रहा था, पहले डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, उससे आपने 1 बिलियन कॉपीज किसी भी DNA की करा ली। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अगर आपके बॉडी के अंदर एक छोटा सा भी वायरस, एक छोटा सा भी अगर कोई बैक्टीरिया है, तो अगर हमें उसका DNA पता लग जाता है या हमें उसका न्यूक्लिक एसिड पता लग जाता है, यानी कि हम अगर उसका PCR कर देते हैं, तो PCR करने का मतलब होगा कि हमने उसके जो छोटा सा था उसको बहुत बड़ा करके देख लिया, और जब वो बड़ा होके दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिक ही पहचान में आ जाएगा। तो रूटीन में जो हम PCR करते हैं वो HIV डिटेक्शन के लिए करते हैं, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स के लिए हम PCR करते हैं, क्योंकि PCR के बाद आप एक तकनीक का यूज़ करते हैं जिससे आप HIV पेशेंट्स को कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ उसमें HIV का इन्फेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो टेस्ट कौन सा है? ELISA मत बताइएगा, क्योंकि ELISA स्टार्टिंग है, लेकिन अगर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हैं किसी पैथोजन का, तो वो हमें HIV का, तो HIV का पैथोजन टेस्ट क्या होता है? अगर आप में से किसी को याद है तो आप बताएं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, वो जो टेस्ट है वो है वेस्टर्न ब्लॉट। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक वो टेस्ट है जिसके थ्रू हम HIV का कन्फर्मेशन करते हैं। पहला तो है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, और जब ELISA से हमें थोड़ा डाउट लगता है तो हम उसके लिए फाइनल टेस्टिंग करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। और वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक के अंदर पहले आपको करना होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप जब करते हैं तो उसके माध्यम से आपके पास में जो HIV है उसका कन्फर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ आपने HIV के लिए तो PCR किया ही है, उसके अलावा आप म्यूटेशंस को भी इसके थ्रू देख सकते हो सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट के अंदर। थैंक यू भाई, सबके लिए होली का त्यौहार अच्छा रहे, और उम्मीद है आप सभी अपना अगला होली का त्यौहार अपने मेडिकल कॉलेज में मना रहे हों। इसी उम्मीद के साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य की ओर। तो PCR में आपके पास कोई अगर एक छोटा सा भी कोई
बैक्टीरिया कोई वायरस आता है तो आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बिलियन टाइम्स उसकी कॉपीज आप करा सकते हैं। ये आपको आसानी से दिख जाएगा और उसी के साथ आप इसका कैंसर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ पीसीआर की कहानी। अब दूसरी जो आपको याद रखने वाली टेक्निक है वो है रिएक्शन विद प्रोब। प्रोब क्या होता है? प्रोब इज अ स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट विद नोन सीक्वेंस, यानी कि एक ऐसा डीएनए का छोटा टुकड़ा जिसकी सीक्वेंस हमें पता है कि इसमें ए के बाद जी लग रहा है या जी के बाद टी लग रहा है या टी के बाद सी लग रहा है। तो एक छोटा डीएनए का टुकड़ा जिसकी सीक्वेंस हमें नोन है, पता है, और वह किया हुआ है रेडियो लेबल्ड। तो जब आप किसी डीएनए को छोटे टुकड़े को जिसकी सीक्वेंस आपने याद रखी हुई है, आपको पता है कि इसमें यह सीक्वेंस है, और उसी के साथ जब आप एक रेडियो एक्टिव जोड़ देते हैं, मोस्टली हम फास्फोरस 32 यूज करेंगे क्योंकि फास्फोरस रेडियो एक्टिव है, 32 फास्फोरस, और यह हर्षे चेज में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जब हम एक प्रोब लेते हैं, प्रोब का मतलब हो गया कि आप को उसकी सीक्वेंस याद है और आपने उसको रेडियो एक्टिव किया हुआ है, तो ये तो होता है प्रोब। प्रोब इज अ स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट, स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट विद नॉन सीक्वेंस एंड इट इज रेडियो एक्टिव। ओके, सो अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए, क्योंकि यहां आपको ये जरूरी है सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए क्योंकि आप इसका अपने डीएनए के साथ में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। अगर इसमें जो सीक्वेंस है वो आपके डीएनए में मिलती है तो ये उसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा, और अगर नहीं मिलती है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या याद रखा, व्हाट इज प्रोब? तो प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए है जो रेडियो एक्टिव होता है, उसको हमने बोला है प्रोब। अब हम क्या करते हैं, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं किसके साथ, अपने अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है वो जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो डीएनए होगा उसको आप आइसोलेट करेंगे और उसका इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और उसके बाद होगा ऑटो रेडियोग्राफी। अगर मान लीजिए कि क्लोन जो आपका है वो म्यूटेट है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आएगा। अब ये लाइन बड़ी कंफ्यूज करती है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। तो हाँ, हमारे यहाँ पर भाई आज नहीं, हमने कल ही यहाँ पर होली मना ली थी, राजस्थान के अंदर होली कल ही हो गई थी, इसलिए आज काम पर आ गए हम वापस, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल से आप लोगों का भी सुबह के टाइम पे हो गया होगा, तो सभी को होली की फिर से शुभकामनाएं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर प्रोब के साथ हैं, आज प्रोब के साथ होली खेलते हैं। इसमें देखिए कि आपने क्या किया है, आपके पास में एक डीएनए का पीस है, सपोज ये आपका डीएनए है। अब आपने क्या किया, इसके फ्रैगमेंट्स कर लिए, यानी कि इसके टुकड़े कर लिए। इसके बाद टुकड़े करने के बाद आपने इसको, अब ये तो आपको पता है कि टुकड़े करने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने इसके टुकड़े कर लिए और अब आपने उसको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके और उसके फ्रैगमेंट्स के हिसाब से उसको आपने अलग अलग कर लिया। जब आपने उसको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर लिया, उसकी लंबाई के हिसाब से उसको बांट लिया, तो ये आपने किया
एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो आपके पास डीएनए बैंड्स आए हैं, अब आप उनको ट्रांसफर कर लेंगे। मोस्टली हम इसको एक नाइट्रोसेलुलोस पेपर पर ट्रांसफर कर लेते हैं। और उसके साथ ही अब हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड भी बना देते हैं, यानी कि इसको अभी जो है डबल स्टैंडर्ड था, अब आपने उसको सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया। ये आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिए। अब जो आपका नाइट्रोसेलुलोस पेपर है, ये बिल्कुल इसी की साइज का होगा, इसके ऊपर आप इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये आपके पास में नाइट्रोसेलुलोस पेपर पर आपने इसको ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो चुका है। अब आप इसकी प्रोब के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। तो यहाँ हम ये ले रहे हैं, सपोज ये प्रोब है और ये रेडियो लेबल्ड है, ये आपका प्रोब हो गया। तो रिएक्शन विद प्रोब, अब अगर ये प्रोब में जो सीक्वेंस है वो आपने ली है एक नॉर्मल जीन की सीक्वेंस, तो अगर यहाँ पर वो जीन नॉर्मल होंगे तो वो यहाँ पर इनके साथ में चिपक जाएगा, इनके साथ में वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म बना लेगा। तो यहाँ मान लीजिए कि ये वाला आपका डीएनए और ये वाला आपका डीएनए, ये डीएनए आपके अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये प्रोब के साथ में अटैच हो गए हैं। तो यहाँ पर प्रोब के साथ इनका अटैचमेंट हुआ और बाकी जगह पर अटैच नहीं हुए, यानी कि ये जो आपके पास में टुकड़े थे, सपोज ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, इन टुकड़ों के साथ में प्रोब का अटैचमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके टुकड़े हैं ये आपके लिए म्यूटेंट हैं। अगर ये म्यूटेंट हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रोब के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके म्यूटेटेड जीन हैं। ये म्यूटेटेड जीन है, इसीलिए क्योंकि प्रोब की सीक्वेंस आपके नॉर्मल सीक्वेंस थी, इसलिए ये यहाँ पर इसके साथ में जुड़ नहीं पाए। और जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब ये होता है कि आपने इसके ऊपर इसी साइज में एक एक्सरे फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म इसके ऊपर रख दी है, और जब आप एक्सरे फिल्म या फोटोग्राफिक फिल्म इस पे रख देते हैं तो आपको जो स्पॉट्स आएंगे वो स्पॉट्स कहाँ कहाँ पर होंगे, वो स्पॉट्स केवल ये वाले होंगे जहाँ पर कि यहाँ प्रोब अटैच हुआ था। ये देखिए, तो ये आपको स्पॉट्स बता रहे हैं कि यहाँ ये अपना प्रोब अटैच कर चुका था, यानी कि ये जीन आपके नॉर्मल जीन थे और बाकी जगह पर क्योंकि वो अटैच नहीं हो पाया, इसलिए हम ये बोलेंगे कि वो म्यूटेंट था, वो म्यूटेटेड जीन था। और प्रोब की सीक्वेंस आपकी जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है उसके साथ ही वो अटैच हो सकते हैं, उसके साथ ही वो
जुड़ सकते हैं। तो यहाँ आपने प्रोब से अर्ली डिटेक्शन कर लिया, क्यों? क्योंकि आपको इमीडिएट पता लग जाता है कि जो नॉर्मल है उसी के साथ प्रोब रिएक्ट करेगा, और जो म्यूटेंट हो चुका है, म्यूटेटेड जीन बन गया है, वो इसके साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर आप प्रोब के थ्रू क्रिया करा सकते हैं। और अगर सीक्वेंस आपकी वो ये जो प्रोब की थी, तो वो प्रोब उसके साथ अटैच होगा। अगर प्रोब की सीक्वेंस और आपके म्यूटेटेड जीन की सीक्वेंस डिफरेंट होगी, तो उसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और जब आप उसको हटाओगे तो प्रोब भी साथ में हट जाएगा। जैसे कि आपने हो सकता है बचपन में कुछ क्राफ्ट वर्क में किया हो, कि कोई एक फोटो होता था, एक कोई सा भी किसी महापुरुष का या भगवान का एक फ़ोटो होता था, हम उसके आउटलाइन में गोंद यानी ग्लू से ऐसे आउटलाइन बना दिया करते थे, उसके ऊपर पूरे के ऊपर हम कुछ वो सिल्वर कलर की जो होती थी फॉइल, वो उसके ऊपर छिड़क देते थे। जब हम टेप करते थे तो वो बाकी जगह से तो हट जाती थी, और जहाँ पर ग्लू लगा हुआ होता था वहाँ वहाँ पर वो चिपक जाती थी, और वो ऐसे शाइनिंग करने लग जाती। तो क्यों? क्योंकि प्रोब और डीएनए का अगर दोनों का कॉम्प्लीमेंट्रिटी है तो वो जुड़ेगा। ऐसी जहाँ हमने ग्लू लगाया था सिर्फ वहीं पर ही वो चिपका, बाकी जगह से हट गई थी सिल्वर। इस वजह से यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि प्रोब यहाँ भी होगा लेकिन उनके साथ अटैच नहीं हो पाया, इसलिए उसे हमने हटा दिया। तो ये यहाँ पर आपके लिए प्रोब के साथ रिएक्शन है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछें, नहीं तो हम अगला इसका टॉपिक लेते हैं जो बहुत ही अच्छा और छोटा है। एनी डाउट बच्चों? चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, यानी कि एलाइजा। तो एलाइजा जो है, यहाँ पर आप एड्स के इनिशियल टेस्ट के लिए भी याद रखते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। जैसा कि नाम से इसमें पता लग रहा है कि हम एंजाइम लिंक्ड बात कर रहे हैं, यानी कि एंजाइम के साथ हम लिंक करेंगे। और इम्यूनोलॉजिकल की जब भी बात आती है तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, या तो हम एंटीजन की बात करते हैं या एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो ये आपका जो एलाइजा है, ये आपके एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर काम करता है। ये आपको याद रखना है कि ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की थ्योरी पर काम करता है। तो एलाइजा, हो सकता है कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाए कि एलाइजा का जो हम बोल सकते हैं कि किस थ्योरी पर काम कर रहा है, तो एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी थ्योरी पर काम कर रहा है। तो यहाँ जब एलाइजा करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, या तो आप एंटीजन के थ्रू हम उसको डिटेक्ट करते हैं, या हम उसको एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी ने डेवलप की है उसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं। तो आपके पास में दो तरीके के यहाँ पर काम होंगे। एक तो होगा या तो आप एंटीजन्स को सर्च करें, डिटेक्ट करें, या आप फिर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करें। तो यहाँ आपके दो हैं, एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है। तो अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, ये आपको याद होना चाहिए। तो बॉडी ने क्या किया, जैसे ही एंटीजन आए तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दिए। अब या तो आप उन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लो, या आप एंटीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हमारे पास में दो तरीके की चीज है, या तो हम एंटीजन ले लें, या हम एंटीबॉडी ले लें। तो अगर आपने एंटीजन लिया है, अगर आपने एंटीजन लिया है, एंटीजन से आप डिटेक्शन कराना चाहते हैं, तो आप एक प्लेट होती है एलाइजा प्लेट, उस एलाइजा प्लेट के ऊपर आप क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे एंटीबॉडी। तो ये जो आपकी प्लेट है एलाइजा प्लेट, इस पर आपने लगा दिए एंटीबॉडी।
और फिर जब आप इसके ऊपर एंटीजन्स डालोगे, तो जब ये एंटीजन इसके साथ इसके ऊपर डाले जाएंगे तो एंटीजन इसके साथ में बाइंड कर लेंगे। अगर पेशेंट की बॉडी में एंटीजन होंगे तो वो एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर लेंगे। अब अगर ये एंटीजन के साथ में बाइंड कर लेते हैं तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट थी जिसके ऊपर हमने इस तरीके से एंटीबॉडी लगाए हुए थे और उसके ऊपर यहाँ हमने जो एंटीजन्स इसके साथ बाइंड करवा दिए हैं, अब इसके लिए हम इसको अब मिक्स करेंगे किसके साथ, हमारे पास कुछ एंजाइम्स होंगे, ठीक है, वो एंजाइम्स के साथ में हम एंटीजन वाला इसको देंगे। तो जैसे ही हम एंजाइम्स देते हैं और वो एंजाइम्स अगर इसके साथ में बाइंड कर लेते हैं, तो जैसे ही वो इसके साथ बाइंड करेंगे, और प्लस हम इसमें डाल देंगे क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस, जैसे हम इसके अंदर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस डालेंगे तो एंजाइम क्योंकि उसके साथ में बाइंड हो चुके हैं तो बाइंड करके क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ में आपको कलर दे देंगे। और अगर आपका कलर आ जाता है, चेंज हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो वो इसके साथ चिपकेगा नहीं, और जब चिपकेगा नहीं तो आप इसके ऊपर जब एंजाइम डालेंगे तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप इसमें एंटीबॉडी के थ्रू कराना चाहते हैं तो आपको एलाइजा प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी लगाने होंगे, मतलब आपको पहले एंटीजन लगाने होंगे। तो यहाँ हमने मान लीजिए कि ये एंटीजेंस लगा दिए हैं, ये हमने लगा दिए हैं एंटीजेंस, पहले हमने एंटीबॉडी लगाए थे अब एंटीजन लगा दिए हैं। अब आप ब्लड सीरम या ब्लड सैंपल जो भी आप लेते हैं वो उसके ऊपर डाल दीजिए। तो अगर हमारे ब्लड में एंटीबॉडी होंगे तो वो एंटीबॉडी अब उस एंटीजन के साथ में रिएक्ट कर लेंगे, और एंटीजन के साथ जब वो रिएक्शन करेंगे तो अब की बार आपने इनको जो एंजाइम देने हैं वो एंजाइम इस तरीके से होगा। ये आपके इसके साथ में क्या अटैच हो गए हैं, ये अब एंटीबॉडी अटैच हो गए हैं, और अब आपने इसको साथ में क्या दे दिया है, एंजाइम दे दिया है। अब इसके साथ फिर से वही सेम सीक्वेंस हमें रिपीट करनी है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस डाल देते हैं। तो अगर ये एंजाइम इनके साथ अटैच हुए हैं, अगर एंटीबॉडी अटैच हुए हैं, तो डेफिनेटली वो फिर से कलर दे देंगे, और जैसे ही कलर आएगा हम समझ जाएंगे कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लग गए हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कोई जो पैथोजन, क्योंकि जब भी कोई पैथोजन आता है तो वो अपने साथ एंटीबॉडी लेकर एंटीजन लेकर आता है, और उन एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडी डेवलप करती है वो होती है एंटीबॉडी। एक बात याद रखनी है हमेशा, मैंने पहले भी बताया है एंटीबॉडी, ठीक है, तो बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, वो एंटीजन्स के लिए एंटीबॉडी तैयार कर देती है। तो अगर आप प्लेट पर एंटीजन लगा देते हो,
ये आपकी टेस्ट प्लेट है, और अगर इसके ऊपर पहले से ही एंटीजन फिक्स है, आप इनके ऊपर जब ब्लड सैंपल डालेंगे और अगर उसके अंदर एंटीबॉडी हुए तो एंटीबॉडी उसके ऊपर चिपक जाएंगे, और जब एंटीबॉडी उसके ऊपर चिपक जाएंगे तो जैसे ही आप उनकी एंजाइम और क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही उसमें, क्योंकि एंजाइम भी है क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, तो ये उसके साथ में रिएक्शन करके और आपको कलर दे देता है, और इससे हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर जो सैंपल आपने दिया है उसके अंदर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन हुई, कलर आया, इसका मतलब या तो एंटीजन मौजूद है या एंटीबॉडी वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अर्ली डिटेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक और उपयोग यहाँ पर हुआ, पहले हमने पढ़ा कि हम डायग्नोसिस में पीसीआर करके, क्योंकि पीसीआर से अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी कोई पैथोजन आया है और उसका डीएनए हमें मिल जाए तो हम उसको फटाफट, क्योंकि बहुत थोड़ी सी चीज़ को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर हम उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हाई लेवल पर आसानी से दिख जाने वाला हो जाता है। दूसरा मैंने बताया कि आप अपना नॉर्मल डीएनए का एक प्रोब बना लीजिए, उसको रेडियो लेबल कर दीजिए और उसकी आप रिएक्शन करा दीजिए अपने डीएनए के साथ। यदि नॉर्मल जीन है तो प्रोब रिएक्ट करेगा और वहाँ पर उसको रेडियोग्राफी करते समय पर स्पॉट आ जाएगा, क्योंकि प्रोब में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और अगर वो म्यूटेटेड हो चुका है तो फिर वो प्रोब उसके साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि प्रोब की सीक्वेंस और आपके सैंपल की सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, तो वहाँ रेडियोग्राफी में आपको कोई स्पॉट्स नज़र नहीं आएंगे और आप समझ जाएंगे कि यहाँ जीन म्यूटेट हो चुका है। तो इस तरीके से ये आपका डिटेक्शन वाला टॉपिक भी क्लियर होता है, और यहाँ तक भी मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और सेकेंड लास्ट पड़ाव की ओर, जहां हम बना रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहां जो ये आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं उनकी कहानी क्या है, हमने क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया है। तो एनिमल्स जो हमने बनाए हैं उनका अगर डीएनए मैनिपुलेट कर दिया है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो ये आपके लिए बन जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने डीएनए का मैनिपुलेशन कर दिया, वो डीएनए है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला डीएनए। तो एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एन एक्सप्रेस और एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन, कोई उसमें बाहरी जीन हम उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसमें डाल देते हैं, तो वो बन जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आपके रेट्स हैं, रेबिट्स हैं, पिग्स हैं, शीप्स हैं, काउ हैं और फिशेज हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है वो माइस पर है। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस होते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक भी माइस के तौर पर ही चलेगा। तो यहाँ जो हमने माइस लिए हैं 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्योंकि साइज में भी छोटे हैं, उनकी देखभाल करना भी आसान है, एक छोटे से बॉक्स के अंदर हम 5-7 माइस आराम से रख सकते हैं, खाने पीने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ईजीली हम उनको हैंडल भी कर सकते हैं, इसलिए हमने 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस ही बनाए हुए हैं। यहाँ हम इनका ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं उसको आप जरा देखें। हम किसी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं, हम किसी डिजीज़ की स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने रोजी काउ एक तैयार की थी, उसके थ्रू हमने कुछ ऐसा ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन करके हमने जो प्रोडक्ट बनाया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट था, वैक्सीन सेफ्टी यानी कि जो हम नई वैक्सीन्स बनाते हैं उन वैक्सीन्स का हम पहले इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर
क्या कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और केमिकल सेफ्टी, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, और हम उनको डायरेक्ट अपने ऊपर टेस्ट करने की जगह पर पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को उन पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए सेंसिटिव बना देंगे, और जब वो सेंसिटिव बन जाएंगे तो उनके ऊपर थोड़ी सी भी अगर वो केमिकल की डोज आती है तो वो इमीडिएट उसके लिए रेस्पॉन्स देंगे, और हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ ये केमिकल इस तरीके से हमारे लिए परेशानी कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं इसमें पहले टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ आपके लिए एनसीईआरटी की लाइंस पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी तरीके के हैं, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी क्लियर करते हुए चलना होगा। तो यहाँ जो आपका पहला जो टॉपिक है वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कहानी। यहाँ जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपने बनाए हैं वो ये कि कोई सा भी जो जीन है वो कैसे रेगुलेट करता है और वो कैसे किसी के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आप ये पता करें कि इंसुलिन का क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे जिनके अंदर इंसुलिन का जीन हम या तो इनएक्टिव कर देंगे या उसको हटा देंगे, और उसके बाद हम जब उसके ऊपर इंसुलिन डालेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से उनकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे आपने इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की बात की, इंसुलिन किस तरीके से उसको अफेक्ट कर देगा, और इसी तरीके से हम जिस भी जीन के लिए, जिस भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को हम चेक करना चाहते हैं, तो हम उस फंक्शन को उस ट्रांसजेनिक एनिमल में पहले गायब कर देंगे, और उसके बाद वो चीज़ जब उसको दी जाएगी तो उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, हमें वो इफेक्ट्स वहाँ पर ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए एक पहला काम हुआ, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना। उसके बाद में हमारे पास आता है स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि आपके पास बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें हमें पता बहुत लेट लगता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कैंसर की बात करें, तो कैंसर के मामले में अब ऐसा तो है नहीं कि कैंसर हुआ और नेक्स्ट डे ही आपको अंदर से कुछ फील आने लग गया कि कैंसर हो गया, डायरेक्ट गए और ये कर लिया, चेक करा लिया। तो हम ये चाहते हैं कि कैंसर की शुरुआत यानी कि डे वन से जो बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे वो हम नोटिस करें, ताकि हम उन खतरे के सिग्नल्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके उससे अपना काम पता कर सकें, अर्ली डायग्नोसिस हो सके। क्योंकि कैंसर के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम उसको इमीडिएट पता नहीं कर पाते हैं, और जब तक पता लगता है जब तक वो अपनी स्टेजेस पार कर चुका होता है। तो हम यहाँ ये चाहेंगे कि हमें ये पता अर्ली स्टेज पर ही लग जाए, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे उसके अंदर कैंसर का जीन जब हम डालेंगे, तो कैंसर का जीन जब डलेगा तो उनके साथ ही हम उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ये पता होगा कि हाँ अब इसके अंदर कैंसर जीन आ चुका है, अब कैंसर जीन कैसे एक्टिव हो रहा है, कैसे वो अपने आप को वहाँ पर एक ट्यूमर में डेवलप कर रहा है, वो सारी चीज़ हमें वहाँ पर पता लग सकती है, और ये काम होगा आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने जैसे कैंसर के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इसी तरीके की चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ के लिए हमने ट्रांसजेनिक मॉडल्स बना लिए हैं। याद रखिएगा, कैंसर के लिए हमने मॉडल बनाया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बनाया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बनाया है, और अल्जाइमर्स के लिए भी हम ये बना चुके हैं। जब हम ये नहीं मरेंगे तो बाद में, पहले हम उसकी स्टडी कर लेंगे। जैसे कैंसर हुआ तो कैंसर होते ही हमें उसकी
स्टडी में मदद मिल जाएगी कि आप क्या स्टेज आ रही है, अब क्या स्टेज आ रही है, कैसे इसके अंदर आ रहा है। तो हम उसमें अपने अंदर जो डेवलपमेंट होता है किसी डिजीज़ का, हम उसके बारे में पता लगाते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है और हम उसी में फिर आगे भी पढ़ेंगे कि उसके ऊपर हम ड्रग्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि इसके अंदर इस ड्रग का ये इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ आपको बेसिकली जो समझना है वो ट्रांसजेनिक जो आपके पास में मॉडल्स हैं वो कैंसर के लिए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए हैं और अल्जाइमर्स के लिए आपके पास में ये आ चुके हैं। तो हमने डिजीज़ की स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना दिए हैं। तो कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स, ये आपको याद रखना है। CCRA या CARC, आप कुछ भी इसका एक ट्रिक बना सकते हैं कि हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस या कैंसर ले लें, कैंसर, अल्जाइमर्स, रूमेटोइड आर्थराइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ पर ये स्टडी हम लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं कि ट्रांसजेनिक बनाने से हमारे लिए क्या क्या उसमें कैसे डिटेक्शन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल बायोलॉजिकल ही बनाई जा सकती है, आप उसको केमिकली किसी केमिकल इंडस्ट्री में डेवलप नहीं कर सकते। जैसे अभी आप से अगर बोलें यूरिया, तो यूरिया तो हम किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे ह्यूमन मिल्क की अगर हम बात करें तो ह्यूमन मिल्क तो हम किसी केमिकल फैक्ट्री में बना ही नहीं सकते, उसके लिए तो हमें ह्यूमंस की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो केवल हम बायोलॉजिकली ही बना सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट हमेशा बहुत कॉस्टली होंगे क्योंकि हम उनको बायोलॉजिकली बना रहे हैं। तो अगर हम उनको बायोलॉजिकली बना रहे हैं तो फिर ये बात पक्की है कि उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। तो क्यों ना हम उन प्रोडक्ट्स को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकली अगर हम उन प्रोडक्ट्स को बना लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात हो सकती है और बहुत आसानी से हम उसको बना सकते हैं। यहाँ जो आपको मैक्सिमम याद रखने वाली बात है और सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो ये कि आपको क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का आपने डीएनए या जीन निकाला और उसको आपने सीधा एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। तो जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसका जीन आप निकालेंगे और उसको निकाल कर एक नॉर्मल जो दूसरा आपके पास सेल है, सपोज आपके पास में ये एक जीन है जिसमें से ये आपके काम का जीन है, आप इस जीन को निकाल लेंगे और निकाल कर अब आप इसको किसी वेक्टर के साथ में अटैच कर देंगे। और ये है आपका डिजायर्ड जीन। जब आप इन दोनों को मिक्स करके मतलब रिकॉम्बिनेंट बना देंगे तो अब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दीजिए। सपोज आपने इसे किसी माइस में डाल दिया या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, ये आपने किसी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब वो एनिमल भी क्या करेगा, उस का बहुत सारा प्रोडक्ट वहां पर तैयार कर लेगा। तो ये जो एनिमल बना ये एनिमल आपका ट्रांसजेनिक बन गया। ये एनिमल ट्रांसजेनिक बना और इस एनिमल में हमने उसके बहुत सारे
प्रोडक्ट बना लिए। अब यहाँ जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है, जैसे अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये जो आपके पास में एक अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का जीन है जो कि आप एम्फिसीमा के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, वो आपने इसी तरीके से बनाया है। आपने क्या करा, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो एक प्रोटीन है उसका बनाने वाला जीन आपने निकाला और उसको आपने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाकर उसके थ्रू प्रोड्यूस करा लिया, तो आपके पास अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ये जो इसके थ्रू प्रोडक्ट बने हैं वो प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे जो आपका अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये जो आपका अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन है ये आप एम्फिसेमा में काम आता है। अब अगर आप ये नॉर्मल बनाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसको किसी ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू बनाया तो ये आराम से आप अच्छी क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसा ही आपने एफर्ट किया हुआ है PKU फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए भी, और फिनाइल कीटोन यूरिया के ट्रीटमेंट के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए ये आपने तैयार किए हैं। तो ये दो डिजीज और आपको साथ में याद रखनी है, पहला तो एम्फिसेमा याद रखना है, दूसरा फिनाइल कीटोन यूरिया याद रखना है, और तीसरा आपको यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रखना है। और इन सब से इम्पोर्टेंट आता है आपका एक और जो आपने बनाया था 1997 के अंदर, और वो थी आपकी रोजी। रोजी एक काऊ है, 1997 में आपने एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई। तो ये आपको याद रखना है, ट्रांसजेनिक काऊ जो हमारी बनी वो थी रोजी, और ये क्या बना रही थी, ये एक ऐसा प्रोटीन बना रही थी जो केवल हमें माँ के दूध में ही मिलता है, क्योंकि माँ के दूध की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। अब गाय की बात करें तो उसमें प्रोटीन है लेकिन फैट ज़्यादा है। अब कई बार ऐसा हो जाता है किसी कारणवश माँ अपने बच्चे को, जो अभी नवजात शिशु है, इन्फेंट है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है या उसको दूध नहीं पिला पा रही है, कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि हम उसे गाय का दूध दें। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन मिल्क तो कहीं इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या करा, हमने जो यहाँ जीन था, हमने जीन निकाला अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का, ह्यूमन अल्फा हमने ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जीन इस काऊ के अंदर ट्रांसफर कर दिया और ये बन गई अब हमारी ट्रांसजेनिक काऊ, और ये प्रोड्यूस कर रही है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और शिशु के लिए बहुत फायदेमंद मिल्क जो आपने यहाँ पर तैयार किया है। और इसमें आपको जो याद रखना है एक और बात ये कि ये 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है वो
आपको 2.4 ग्राम पर लीटर याद रखना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें आपको 97 भी याद रखना पड़ेगा। 1997 के अंदर आपने एक रोजी काउ तैयार किया जो ट्रांसजेनिक काउ थी, इसमें आपने ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जीन आपने उसमें डाला, और ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जो जीन इसमें डालकर आपने ट्रांसजेनिक काउ तैयार की, वो आपके लिए ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क दे रही है, और वो था आपका 2.4 ग्राम पर लीटर तक। और ये हमारे लिए जो नेचुरल काउ मिल्क है उससे ज़्यादा बैलेंस प्रोडक्ट आपने इस काउ रोजी मिल्क से दिया। तो ये आपके लिए एक और तरीका हुआ, यानी कि आपने अल्फा वन एल्टीट्रिप्सिन यूज़ किया एम्फिसीमा के लिए, आपने फिनाइलकीटन यूरिया के लिए किया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए किया, और रोजी आपने काउ यहाँ पर तैयार की जो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन बना रही थी, और ये 2.4 ग्राम पर लीटर से बन रहा था, और बहुत ही अच्छा ये प्रोटीन रिच डाइट है एक शिशु के लिए जो किसी कारणवश माँ का दूध नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको सारे साइड में लिख दिए हैं, ये आपको कंपलसरी अच्छे से याद होना चाहिए। रोजी ट्रांसजेनिक काउ है, 1997 में बनाई गई थी, और ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ये बना रही थी। इसके बाद में आते हैं वैक्सीन सेफ्टी। अभी मान लीजिए कि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन बनाने के साथ ही हम सीधा उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म में लगा नहीं सकते, हमें उसको पहले कहीं ना कहीं टेस्टिंग करना होगा, और वो तभी होगा जब आप उस आपके पास उसके लिए कोई ट्रांसजेनिक एनिमल्स हों। तो जब हम किसी वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको पहले एनिमल्स में इस तरीके से यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम उसको यूज़ करके उसके बाद हम उसको कहाँ पर इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको जो एग्जांपल है वो याद रखना है, हमने ट्रांसजेनिक माइस यूज़ किए थे जो अभी हम लोग पोलियो की वैक्सीन बना रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबर है कि अब ओरल पोलियो वैक्सीन जो मुंह से दो बूंद जिंदगी की दी जाती थी, अब उसकी जगह पर हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो पोलियो वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है उसका जो ट्रांसजेनिक माइस है उसमें इसकी हमने अपनी इनिशियल टेस्टिंग की है, और अगर ये रिलायबल आती हैं तो हम मंकीज को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी तक हम अपनी वैक्सीन्स के लिए मंकीज का यूज़ कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि मंकी बड़ा भी होता है, उसको आपको केयर टेक करना थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है, आपके पास में जगह ज़्यादा लेनी होगी, उसके साथ देखभाल ज़्यादा लगेगी, उसकी जगह अगर आप ट्रांसजेनिक माइस लेते हैं तो ये कम जगह में ज़्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाएंगे। उसके बाद आते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग मेथड पर। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में आपके पास में जैसे आपको कोई टॉक्सिक मटेरियल मिल रहा है, किसी टॉक्सिक की आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को हम उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। तो जैसे ही वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सपोज मान लीजिए कि कोई केमिकल है जो नॉर्मल एक जो एनिमल है उसमें सपोज 5 मिलीग्राम की डोज के बाद ही रिएक्शन दिखाता है, तो हम क्या कर देंगे, हम उसको हो सकता है इस तरीके से मॉडिफाई करें, ऐसा ट्रांसजेनिक बनाएं कि वो केवल 1 मिलीग्राम की डोज पर ही अपने अंदर सेंसिटिविटी शो कर दे। तो अब क्या होगा, अगर उसमें 5 मिलीग्राम से भी बिलो अगर वो कोई केमिकल हुआ तो वो, क्योंकि उस केमिकल के लिए क्या है, सेंसिटिव है, तो वो बहुत इजीली हमें उसका रिजल्ट दिखा देंगे। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कंपैरिजन में मोर सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि थोड़ा सा भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस उनके अंदर गया और उन्होंने अपने आप को
यहाँ पर सेंसिटिविटी शो करना शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और हमें कम टाइम में, क्योंकि अगर कोई एनिमल 5 मिलीग्राम की बात करें तो उसको अगर आप 1, 2, 3, 4 मिलीग्राम तक भी दे देंगे आपको पता ही लगेगा कि उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आप ये सोचेंगे कि हमारा टेस्टिंग सेफ चल रहा है। लेकिन अगर हमने उसको 1 मिलीग्राम के लिए ही सेंसिटिव बना दिया तो अब उसमें जैसे ही हल्की सी भी 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम भी डोज गई तो वो आपको उसका सेंसिटिविटी पता लग जाती है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर और वो है एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में ऐसे तो बहुत सारे हम ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा मानवर वगैरह कुछ बनाए हुए थे, क्रिश शायद मूवी थी, क्रिश 3 वगैरह, तो उसमें हमने देखा कि कैसे एक एम्फीबियन के साथ में ह्यूमन को उन्होंने एड करके उसकी एक बड़ी लंबी सी जीवान वाला एक आदमी वहाँ पर उन्होंने बना दिया था। तो यहाँ अगर इस तरीके का हम कोई एक्सपेरिमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे लिए पूरी मानव जाति के लिए ही खतरा बन जाए, तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना होगा और हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी है, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी उटपटांग चीज़ें बना देंगे तो हो सकता है कि ये हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर दें, और अगर एक बार इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर हमारे ऊपर भी आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक याद रखेंगे GESC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये इंडिया के अंदर बनाई हुई है, इसके फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये इंडिया ने हम एक कमेटी तैयार की है और वो इंडिया गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो इस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी आपके एथिकल काम हैं उनको वो चेक करेगी, और उसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च करनी है वो वैलिड है या नहीं इसकी पूरी जानकारी, पूरी जांच ये करेगी, और वो ये भी देखेंगे कि अगर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम मार्केट में लाते हैं तो ये किस तरीके से लिए पब्लिक के लिए हार्मफुल या हार्मलेस या बेनिफिशियल हो सकते हैं। अभी आपको यहाँ एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो है बायोपायरेसी का, उसकी शुरुआत कहाँ से हमने करी है उसके ऊपर बात करते हैं। 2 लाख से भी ज़्यादा हमारे पास वेराइटीज़ हैं राइस की, और उनमें से एक बासमती राइस होता है जो अपने यूनिक एरोमा और फ्लेवर के लिए माना जाता है, बासमती की खुशबू अलग ही आपको मिल जाती है। यहाँ अभी तक हमारे पास 27 बासमती की डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ हैं, यानी कि इनका तो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, और यहाँ पर हमने जो ये बासमती राइस बनाए हैं, ये बासमती राइस जो बन रहे हैं ये हमारे, हमने सदियों से परंपरागत, हमारे पास इसका बहुत पुराना सा प्रमाण भी यहाँ पर उपस्थित है। अब हुआ ये कि 1997 के अंदर अमेरिकन कंपनी ने क्या करा, इस बासमती राइस का पेटेंट अपने नाम करा लिया। पेटेंट अगर हम किसी चीज़ का करा लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि अब वो जो भी कोई व्यक्ति अगर उस चीज़ को यूज़ करना चाहेगा तो उसे, हमें जिसने भी पेटेंट कराया है पहले उसको एक कंपनसेशन देना होगा। अब बासमती जो हमारे यहाँ सदियों से उगता आ रहा है, हमारे यहाँ कथाओं में, लोक कथाओं में बासमती का हम जिक्र करते आ रहे हैं, चावल का हम इतने टाइम से जिक्र करते आ रहे हैं, और वहाँ अमेरिका ने इसका पेटेंट करा लिया। कैसे कराया, उन्होंने इंडियन बासमती को लिया और एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ उसको क्रॉस करा दिया और उन्होंने कह दिया ये हमने ही नया बनाया है। अरे तुमने क्या बनाया है, तुमने तो यहाँ पर बासमती को एक केवल सेमी ड्वार्फ वैरायटी के अंदर ही आपने इसको
चेंज किया है। तो सेमी डॉ वैरायटी और बासमती के साथ मिलाकर और बोल दिया हमने एक नया इन्वेंशन बनाया है, हमारी ये एक नॉवल्टी है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पर कार्रवाई की और ये पेटेंट हमने कैंसिल कराया। नहीं तो जो भी बासमती इंडिया में भी उगा रहा होता, वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई अगर बासमती उगा रहा होता तो उसे पहले उस कंपनी से परमिशन लेनी होती, उसको कंपनसेशन देना पड़ता, तब कहीं जाकर वहाँ पर बासमती बन पाता। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे पेटेंट लेने की कोशिश की है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे हैं टर्मरिक और नीम। नीम और टर्मरिक आपको पता है, नीम का बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक आप लोग यूज़ करते हैं, टर्मरिक भी आपके लिए है, आपके जो दूध में हल्दी डालकर पीना अंदरूनी चोटों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, इस तरीके से स्किन डिजीज़ के लिए भी आप टर्मरिक यूज़ करते हैं। अब बताइए जो हम लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, अगर कोई बोलता है ये हमारा है, ये तो हमने इन्वेंशन किया है, तो वो कैसे हम लोग उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। तो यहाँ आपके पास में आता है बायोपायरेसी टॉपिक, जो आपको याद रखना है। बायोपायरेसी क्या है? तो बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी का मतलब है कि आपने अगर किसी कंट्री के किसी भी जगह के बायो रिसोर्सेज को अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने या और कोई ऑर्गेनाइजेशन लेता है, वो भी विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन, कोई ऑथोराइजेशन नहीं लिया और उसने इन सब का यूज़ करना शुरू कर दिया, उनसे कोई जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं न तो उनसे कंसर्न लिया और ना ही उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट दिया, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये बन जाती है बायोपायरेसी। मान लीजिए कि हम लोग चावल उगा रहे हैं, अब उन्होंने चावल का पेटेंट ले लिया, न हमें कुछ वो कंपनसेशन दे रहे हैं, न हमसे कोई परमिशन लिया, तो इसे आप बोलेंगे ये बायोपायरेसी है। अभी तक आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स तो आपने पढ़ी रखे होंगे, यहाँ बायोलॉजिकली अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट की, किसी की बात करते हैं और उसको अगर हम अनऑथोराइज तरीके से बिना कंपनसेटरी पेमेंट दिए ले लेते हैं, तो फिर ये बन जाता है आपका बायोपायरेसी। अब होता ये है कि जो आपके मोस्टली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े जो नेशन आपके पास हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो आपके हैं, ये नेशन क्या हैं, ये पैसे से तो बहुत रिच हैं लेकिन इनके पास बायोडायवर्सिटी नहीं होती है और ना ही इनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है। आप ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर आपको इसी तरीके का मिलेगा। अब अगर हम इसकी जगह पर अंडर डेवलप्ड की बात कर रहे हैं, तो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो बायोडायवर्सिटी में बहुत रिच है, उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत सारी होती है। अब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अगर उनका पैसा और इनके रिसोर्सेज मिलकर कुछ बनता है तो पूरे विश्व में जो पूरी ह्यूमनिटी है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये काम हो सकता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर, क्योंकि हम पेटेंट के मामले में पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ क्या क्या हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने टर्मरिक ले लिया, नीम ले लिया, बासमती तक ले लिया और कहीं मैंने सुना अभी तक कड़ी जो हमारी इंडियन एक डिश है उसको भी किसी ने पेटेंट करा लिया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने एक सेकेंड अमेंडमेंट, याद रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट हमने चेंज किया है इंडियन पेटेंट बिल के अंदर। इंडियन पेटेंट बिल के अंदर हमने एक अमेंडमेंट किया जो आपको बताएगा, कंसिडरेशन करेगा पेटेंट टर्म्स का, इमरजेंसी प्रोविजंस का और रिसर्च डेवलपमेंट का, कि हमें किस चीज़ के ऊपर किस तरीके से रिसर्च डेवलपमेंट करना है, क्या क्या उसका इनिशिएटिव हमें लेना है, किस तरीके से अगर कोई हमारी इन चीज़ों को चुराता है, पायरेसी करता है, तो हमें उनके साथ में क्या एक्शन लेना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने सेकंड पेटेंट अमेंडमेंट हमने यहाँ पर किया है इंडियन पेटेंट बिल के अंदर। तो इस तरीके से ये
हम अगर इस पायरेसी को रोक पाए तो हम उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट दिला पाएंगे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनको अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये हमने आज टॉपिक और लेसन फिनिश किया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम अपनी सभा आज यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना त्यौहार एंजॉय कीजिए, और अगर कोई इसमें है प्रॉब्लम नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ठीक है, आप इसे रिवीजन जरूर करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले टर्न पर फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ।